अलहम्दुलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद शरीफ आवाज़े बुलंद सारे हज़रात पढ़े आज सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बंदे काफ़ी हो थोड़ी जी होर चीज़ रा पढ़े जी अल्लाह अजर अजीम अता फरमाए तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। हम दो सलात तो बाद नहायत वाजिबुल एहतराम हज़राते उलमाए किराम सनाखाने रसूल और मुअज़्ज़ज़ सामईनो हाज़रीन हज़रात। अल्लाह ताला दा बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने सानू इतनी अजीम शान महफिल अंदर आउण दी तौफीक अता फरमाई। बिलखसूस मोहतरम मुकाम जनाब पीर सैयद जनाब किबला अतीक शाह साहिब और मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद नईम शाह साहिब खतीब जामे मस्जिद हाजा। हजरात ये इतना हसीन प्रोग्राम साढ़े बड़े मोहतरम जनाबे राणा हफीज साहब ने और इन्हों के दोस्त अहबाब ने इन्हों के रुफका ने अजीज अकरबा ने इदा इंतजाम व इंसराम किया। उलमाए किराम तशरीफ लेके आए, हर एक मेरे सिर का ताज है। अल्लाह ताला हर बंदे का आना जाना अपनी बारगाह कबूल फरमाए और कबूल फरमान तो बाद साढ़े वास्ते कबर के अंदर बख्शिश का समान पैदा फरमाए। तुसी बड़े अच्छे लोग हो। मैं ये चीज़ समझना वा आले रसूल की कदर करना बड़ी आला बात है। आलमे दीन होना, हाफिज़े कुरान होना, कारिए कुरान होना, नात खान होना, ये तो बड़े मुकद्दरा की गल है। अगर कोई हाफिज़े कुरान ना भी होवे, नात खान ना भी होवे, आलमे दीन ना भी होवे, सिर्फ ओदे अंदर यह वसफ होवे कि वह आले रसूल होवे। तुसी यकीन जानो इस बात नू ज़हन च लै के किसी बंदे दा अदब एहतराम करना के सैयद है। यकीनन मेरा ईमान है कि वह बंदे दी बख्शिश वास्ते नबी दी आहले बैत नाल मुहब्बत काफ़ी है। और ये बात मैं पहली बारी नहीं करता पिया। तुसी हज़रात मेरिया तकरीर शायद अगे भी समात करते रहते होवो। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेली शिव रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्हों का कलाम मोहतरम जनाबे मोहम्मद अवैस साहब ने पढ़िया है, सबसे आला व औला। अज जिहड़ा असीं सलाम पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये वो कलाम ने जड़े आला हजरत ने लिखे ने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तू जिंदा है वल्ला। ये जड़े कलाम ने ना, ये आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजले बरेली शिव रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे ने। और आला हजरत का सब तो बड़ा कमाल उलमा जड़े ने ये तो जानते हैं कि फतावा रजविया शरीफ और आवाम वास्ते आला हजरत ने जड़ा तर्जमा कुरान पाक का कंजुल ईमान लिखे है ना, ए आला हजरत ने क़यामत तक अहले सुन्नत व जमात पे बहुत बड़ा एहसान किया है। किसी घर मेहमान गए तो उन्होंने आला हजरत की वापसी वास्ते जिवें असीं इत्थे रक्षा मंगवा लेने आ, किसी कार वाले नूं फोन कर देने यार साडे मेहमान ने फलानी जगह ते लाया जाके, उन्हें पालकी मंगवा लई। चार बंदे उस पालकी नूं अपने मोढियां ते चुकदे सन, मेहमान उस पालकी बहंदा सी ते उन्होंने आखना इनू फलानी थां ते लाभ हो जाके। आला हजरत जी टुरे ना पालकी ते बह के, चंद मिनट ही अगे गए होणगे, अचानक आला हजरत ने आवाज मारी, फरमाया ओ पालकी लैके जाण वालियो ठहर जाओ, रुक जाओ, पालकी थले रखो। उन्हें पालकी थले ला छड्डी के शायद रे पता नहीं कोई मसला बन गया। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा बाहर निकले, तवज्जो मेरे वाले करना, आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा बाहर निकले और बाहर निकल के आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने फरमाया, फरमाया अपने मोढे ते पालकी चुक के जाना लियो, तुहाडे जो सैयद कौन है, तुहाडे विचों सैयद कौन है। एक नौजवान दी अक्खां जांसो आ के कहन लगा हजूर मैं हां, कोई गलती हो गई है। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने जमीन ते बह के उस सैयद वाले तकिया तो कहने लगे, शाह जी जी आपने मुझ पे क्या जुल्म कर दिया, अगर क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा नबी पाक ने मुझसे ये पूछ लिया, ए अहमद रजा एक तरफ मेरी मोहब्बत के दावे और दूसरी तरफ मेरे बेटों के कांधों पर सवारी करते रहे, तो अहमद रजा नबी पाक को क्या जवाब देगा। शाह जी जी आपने मुझ पे जुल्म कर दिया। वो कहने लगा जी हजरत साहब मैं तो मजदूर हाँ, मैं तो मजदूरी करना पिया। फरमानी तेरी गल अपनी थां ते वे, इमाम मोहम्मद रजा दा सैयद नाल प्यार ते मोहब्बत अपनी थां ते वे, एदा हुण कफारा है वे, पालकी जे सैयद ज़ादिया तू बो। वो सैयद को हाफिज़ कुरान भी नहीं सी, आलम दीन भी नहीं सी, मुफ्ती भी नहीं सी, शायखुल कुरान भी नहीं सी, आम एक बंदा सी लेकिन है सैयद सी ना। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा और जमाने दे वक्त दे लोकां वेखिया, बरेली दे बाजारां च वक्त दा मुजद्दद एक सैयद नूं पालकी च बह के उहदे घर छड्डन वास्ते जांदा है पिया। तो जिदों बाहर निकले ते हत्थ जोड़े आला हजरत ने, फरमाया शाह जी ये काम ना करो, क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा दी उम्मत मुस्तफ़ा नूं केड़ा मुंह विखाएगी। फरमाया महबूब ऐलान कर दियो ना लोकां दे अंदर, सोना ऐलान कर दे, उन्नी देर तक मैं सीधे लफ्जां च मफहूम बयान करना पिया, उन्नी देर तक तुहाडियां नमाज़ां, तुहाडे रोज़े, तुहाडे हज, तुहाडियां ज़कातां, तुहाडी अल्लाह अल्लाह, तुहाडी तस्बीहात, तुहाडा जिहाद अल्लाह दी बारगाह च काबिल कबूल नहीं होवेगा। सोना कितनी देर तक, फरमाया जिन्नी देर तक मेरे रिश्तेदार नाल प्यार नहीं करोगे। उची बोलिया जे तुहाडी मेहरबानी या रसूल अल्लाह। हक चाहे या अली। आ देखो ना हजरात, राणा साहब ने मैनू फोन किया, कहने लगे जी टाइम चाहिए है, पिलसी पीर वाली मस्जिद प्रोग्राम करना, महफिल मिलाद करनी है। किबला शाह साहब ने मैनू हुक्म किया, कहने लगे जी कुछ विलादत मौला अली पाक शान ए अहलेबैत, तो मैं आख्या शान ए अहलेबैत उतो शुरू करिए, पता लगे। हुण वेखो ना हजरात, तुहाडी मस्जिद के अंदर किबला शाह साहब जदों ते तशरीफ लेके आए ने, मेरी आदत नहीं, मैनू तुसी जानदे हो अक्सर बंदे, मैं कदी किसी बंदे की खुशामद नहीं कीती, ना मैनू लोड़ है, अल्लाह का बड़ा करम है, खुशामत तो मैं पाक हाँ, लेकिन जी हक गल बयान ना बंदा करे, वह भी बंदा बखील होता है। मस्जिद की रौनक भी बढ़ गई है और मस्जिद के काम मसल के हक अहले सुन्नत व जमात किबला सैयद मोहम्मद नईम शाह साहब की तशरीफ आवरी नाल इस इलाके अंदर रौनक लग गई है। हर मसले के अंदर तवज्जो करना, जे ए सैयद का यह हाल है ते मौला अली दा किन्ना का मुकाम होएगा। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। फरमा महबूब ऐलान कर दियो उन्नी देर तक तुहाडे अंदर कोई बंदा ईमान दी हलावत ते ईमान दी लज्जत नहीं पा सकदा जिन्नी देर तक फरमा मेरे कुर्बान नाल प्यार ना करे। हजूर दे कुर्बा केड़े-केड़े ने, हजूर दे रिश्तेदार केड़े-केड़े ने, सब तो पहले नबी पाक दे कुर्बा, नबी पाक दे वालदैन ने। असी नबी पाक दे वालदैन दे ताबेदार। ये बाज नशीन रखना हजरात। बाद बंदे आप पिंडियां दे उत्ते सलवारां करके फिरदे ने, मोढियां दे उत्ते 5-5 10-10 किलो दे बिस्तरे चुके हुंदे ने। अजीब उन्हां दी रंगत हुंदी है। जिवें किसी बंदे ने आप फौजी लेट हो जाना तो पिछे बस्ते च ईटा पा के ना पत्थर पा के पिट्ठू ला देंदे ने, सजा मिलदी है भाई। ए आहले बैत ते नबी पाक दे वालदैन दे मुनकरां नूं रब वल्लों पिट्ठू लगा है। गल समझ शरीफ अंदर आई जे? बोलो तुहाडी मेहरबानी। समझ शरीफ अंदर आई जे? गल नबी पाक दे वालदैन दी बारी गल आवे ते एदी तोहिया जिहड़ा बड़ा वड्डा तोही दा ठेकेदार है ना, आखेगा नहीं री माजल्ला वो तो काफिर थे, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह वो तो जहन्नमी थे। हुण मैं इस बंदे दी तोहीद दा की करां? साडे बंदे इत्थे बड़े बड़े सादे उन्हां दी मौलवी एवें खिलाफ गल्लां करदे ने। एवें नहीं करदे, साडी कोई जमीन सांझी नहीं उन्हां नाल, साडा कोई पैलियां दा रौला नहीं उन्हां नाल, साडा कोई उन्हां नाल लैण देण दा झगड़ा नहीं, साडा सिर्फ इक्को ही मुतालबा है नबी पाक दे कुर्बान नाल प्यार कर। असी तेरे कदमां थल्ले अपना सिर रखण वास्ते तैयार आ। हजूर दे कुर्बान नाल मुहब्बत कर। अल्लाह दे वलियां दा दुश्मन ना बन, अल्लाह दे वलियां दा अदब कर, हया कर, सैयदां दा एहतराम कर। असी तेरे ताबेदार हां। असी तेरा की करना है? बिस्तरे चुक के कदी एक पिंड, कदी दूजा पिंड, कदी तीजा पिंड, अखीर जिथे मर्जी जाके साह लै। तेनू रब्बा पिट्ठू लगा है, ये सजा मिलती है भाई। जेड़ा तू अपने वड्डियां दी तकलीद करना है पिया, वो ना क्या नबी पाक के वालदैन जहन्नमी थे। रब फरमाता कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब इन्हां कह दे उन्नी देर तक तुहाड़ियां नमाज़ां रब फरमाता मैं कबूल नहीं करनियां जिन्नी देर तक मेरे नबी दे सारे। बाद बंदे सिर्फ नबी पाक दे सहाबा दे ताबेदार। असीं नबी पाक दे सहाबा दे ताबेदार ते अहले बैत किधर करिए? एक तबका वो कहता जी असीं नबी पाक दे अहले बैत दे ताबेदार आ, बस साहबा नाल साडा कोई तलक नहीं। ते कुर्बा दा माना किधर गया? नबी पाक दी अजवाई दी वारी आवे तेनू दर्द होण लग पवे, नबी पाक दे यारां दी वारी आवे तेनू तकलीफ होण लग पवे, नबी पाक दे वालदैन दी वारी आवे तेनू दर्द होण लग पवे। इक्को मसलक हक अहले सुन्नत व जमात है जेड़ा नबी पाक दे वालदैन दा भी ताबेदार है, जेड़ा नबी पाक दी अजवाई दा भी ताबेदार है, जेड़ा नबी पाक दे सहाब दा भी ताबेदार है, जेड़ा नबी पाक दे अहले बैत दा भी ताबेदार है। बल्कि असीं ये कहण वाले हां तुझसे डर, डर से शक, और शक से निस्बत मुझको, मेरे गले में भी है दूर से डोरा तेरा। असीं ये कहण वाले हां सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना सोहना। मेरे नाल मिल के बाबा जो बुलंद पढ़ो, अल्लाह ताला जज़ा देगा तुहानू। मेरे नाल मिल के पढ़ो, नबी पाक दे नाल खान बनो सारे। सौ रब दी मदीने दा जिन्हें मेरे नाल मिल के पढ़ना है वह बंदा बांह खड़ी करो। मैनू पता लगे कि मेरे नाल रलिया है। माशाअल्लाह सारे बांह सारी चुकते हैं, पढ़ते थोड़े बंदे ने लेकिन मसीते बह के वादा करते पे। बड़ी मेहरबानी बाबा जी बुलंद, कोई बंदा चुप न रवे। सौ रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना सोहना। मेरे कमली वाले दा हर यार असी तो दाता साहब की वारी आवे तो असी आने सोने तेरे ना तो जान भी कुर्बान है। जे हजरत शेरबानी का नाम आवे असीं आने सोने तेरे नाम तो जान भी कुर्बान। जे हजरत पीर मेहर अली शाहरा का नाम आ जाए असीं आने तुहाडे तो साडी जान भी कुर्बान है। आओ तवज्जो फरमाओ हजरात, इधर मदीने शरीफ की क्या बात है। असीं ते जन्नत हो कहण वालियां हैं। सब्ज गुंबद खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं। वालदैन मुस्तफा दे सुन्नी ताबेदार आखो अल्हम्दुलिल्लाह, उची आखो ना कि आखिर मरना ते है ना, ये सदा ते किसे बैठे नहीं रहना। जो कबर च जावांगे तो हजूर नाल मुलाकात होगी, फरिश्ते पूछणगे मा कुंता तकूलो फी हक हाज़ा रजुल, एक कबर अंदर आने वाले आ दुनिया ते इन्हां दे बारे की आंदा रहा है, मैनू उस बंदे दे बारे तुसी दस दिओ जिहड़ा आखे नबी पाक दे वालदैन जन्मी सन, नबी पाक दा केड़ियां नज़र नाल मुसामना करेगा। सोहणिया मैं तेरा ते ताबेदार हां, तेरे वालदैन दे बारे बकवास करदा रहा वां, तुहाडे जो कोई बंदा ऐसा है वे जिहड़ा आखे जी मेरा यार ते बड़ा चंगा है लेकिन वह यार ओहदे वालदैन दे बारे तोहीन करदा होवे, वह फिर भी आखे मेरा यार है, वह को किसी दी मां दे बारे माड़ी जी गल करे चार दफा हो जा, तेरा मेरा कोई तल्लक नहीं, तेरी गैरत इतनी है मुस्तफा दे बारे तेरा की ख्याल है, हजूर दे बारे तेरा की कहने। असी अलहमदुलिल्लाह नबी पाक दे वालदैन दे ताबेदार। बाद बंदे आखणगे जज्बाती गल्लां करदे ने पे, इहदे ते मैं कुरान पाक दी इक आयत पढ़न लगा, जे मजा आए वो तो आना ही आना क्योंकि कुरान के अंदर है ही लज्जत है। क्यों बोलो तो सही ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान जी इरशाद फरमांदा है, महबूब दुआ दे चेहरे वाले आ हामीम दे कुंडला वाले आ यासीर दे सिरियां वाले आ, ऐलान कर दे इन लोकां दे अंदर लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। सुन रहा फरमादा मैं मोमिना दे शान की जाए, रहा फरमादा शान की जाए याद ना करी गलदा फरमा लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। रब ने मैं मोमिना दे शान की जाए ओना दे विच रसूल भेजिया। एवें नहीं सुभान अल्लाह, एवें नहीं, तुहाडी मेहरबानी उच्ची बोलो जरा। घर दी मुर्गी दाल बराबर ही ना समझी जाना मैनू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तवज्जो करना जरा जरा मोहब्बत ना को सुभान अल्लाह। इशार आने स्पीकर की आवाज बड़ी सैट है, मेरे मेरे राउंड नहीं जी मारी किधर है। माशाअल्लाह जज़ाक अल्लाह बरकत थोड़ा सौन सलामत रखे अल्लाह, मोहब्बत ना को जरा सुभान अल्लाह। रब फरमांदा मैं मोमिना दे शान की दोनों दे विच रसूल भेजिया। मैं मोमिन आंदे ने असी ईमान वाले हां, असी मोमिन हां, क्यों साडे विच रसूल आया। जिन्हां दे विच आया है ओ ते आंदे ने असी मोमिन हां, ते जिन्हां दे विचों दी आया है उन्हां दे बारे तुहाडा की ख्याल है। नबी पाक दे जिस्मे पाक दे कदी मक्खी नहीं बैठी, हजूर दे जिस्मे पाक दे कदी मक्खी नहीं बैठी। हजूर दा रब ने साया नहीं बनाया, क्यों साए दा काम है नीवी उची थां ते आउणा, मक्खी दा काम है कदी किसे थां ते बहना कदी किसे थां ते बहना, फिर बंदे दे मूंह ते बहंदी है बंदे नूं नजर नहीं आउंदा। लेकिन साइंसदान आंदे ने खुरदबीन नाल वेखो तुहानूं पता लगेगा एडा वड्डा निशान मक्खी बंदे दे मूंह ते छड के चली जांदी है। रब ने फरमाया नहीं मक्खी है जिथे मर्जी बई मेरे मुस्तफा दे जिस्म ते ना बई। रब इन्ना भी गवारा नहीं करता कि माड़े तो माड़ा नुकता भी मेरे महबूब के जिसमें पाक ते मक्की पाए। तो की ख्याल है तुसी मैनू दसो छदरे पिंड वाले हो और रब किवें गवारा कर सकता है कि माज़ल्ला 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 एक मुशरका मां के पेट च नबी 9 महीने रवे। रब गवारा नहीं कर सकता। एवे वालदैन मुस्तफा। तो की ख्याल है रिश्ता सिर्फ वालदैन नाल ही हुंदा है। सब तो पहले रिश्तेदार बंदे दे माँ बाप हुंदे ने, फिर उस तो बाद दूजी रिश्तेदारी बंदे दी भैणा भरा। रब ने मुस्तफा दा ना भैन ते ना भरा रब ने नहीं बनाया। ते इत्थे इंडिया दे मौलवी आंदे ने ओ इनकी तदीम करो, बस बड़े भाई जितनी कर लो। रब आंदा मैं पैदा ही कोई नहीं कीता। रब आंदा मैं बनाया ही कोई नहीं भरा। क्योंकि एक वेला आंदा भैणा भरा जो वड्डे हो जाते हैं ना तो कोई काम हो जाते हैं शरीक हाँ ये साडा शरीका। रब आंदा महबूब मैं तेरा शरीका ही कोई नहीं बना देना। हाय हाय उच्ची जरा बोलो आपको सुभान अल्लाह। दूसरी बात तवज्जो करना हज़रात, नबी पाक दे वालदैन नबी पाक दे सब तो पहले कुर्बाने सुन्नी नबी पाक दे वालदैन दा अदब ते एहतराम करदा है। दूसरी बारी तवज्जो करना पैना भरा है ही कोई नहीं। तीजे दूजे नबी पाक दे कुर्बा कौन ने? अज़वाज मुतहरात। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है पिया अन्नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वाज़वाजुहु उम्महातुहुम वाज़वाजुहु अज़वाज सौ की जमा है। एक बीवी का रब ने नहीं फरमाया, दोवां बीवियां का रब ने नहीं फरमाया अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी दियां सारियां बीवियां मोमिना दियां मावां ने। फिर उस तो बाद नबी पाक दे यार, नबी पाक दे सौरे, नबी पाक दे सौरे जिधरों नबी पाक ने अपनी शादियां कीतियां। हजरत अबू बकर सदीक दी बेटी नबी पाक दे घर, हजरत सईदना उमर फारूक दी बेटी हजूर दे घर, हजरत नबी पाक दियां बेटियां हजरत उस्मान गनी दे घर। ज़िन्नुरैन देखो लोगों की मत मारी गई। हजरत उस्मान गनी नूं ज़िन्नुरैन मनते ने, नबी नूर नहीं मनते। इन्हां नूं ज़िन्नुरैन मनते ने, उन्हां नूं नूर नहीं मनते। आओ तवज्जो फरमा दूसरी बेटी नबी पाक दे हजरत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम। कौन अली? सुनिया दा पीर अली। अली दे मनन वाले बैठे उन्होंने यौमे विलादत मौला अली दा। उच्ची जरा बोलो आखो मुहब्बत ना को सुभान अल्लाह। नबी पाक दे सौरियां दे भी गुलाम अहले सुन्नत व जमात, नबी पाक दे दमादां दे गुलाम भी अहले सुन्नत व जमात। ताई दे सियाने इमाम उल अंबिया नबी पाक ने फरमाया वजीरा ने फिस समा वा वजीरा ने फिल अर्द। ए लोगो दो मेरे वजीर आसमाना ते ने, दो मेरे वजीर जमीना ते ने। तुसी बेहतर जानदे हो जेड़ा वजीर हुंदा है बादशाह दे कोल ही हुंदा है, वजीर बादशाह दे कोल ही हुंदा है। जाओ जाके सबज गुंबद दी छां थल्ले देखो तुहानू नबी पाक भी नजर आउणगे, अबू बकर सिद्दीक भी नजर आउणगे, तुहानू उमर फारूक भी नजर आउणगे। तां जे असीं आने अपन यार नबी दे यारां दा बोलो पण यार नबी दे नबी दया यारां दा बण यार नबी दया। बड़ी मेहरबानी मैं आवाज सुनना मैं थोड़ी किदी किदी आवाज आती पई है मेरे वास्ते नहीं। इधर बारगाह सदीक अकबर के अंदर ते बारगाह उमर फारूक अंदर, बारगाह उस्मान गनी के अंदर ते बारगाह हजरत मौला अली के अंदर हाजरी लवान वास्ते आवाज बुलंद पढ़ो बन यार नबी दया यारां दा। राणा साहब ने बड़ी मेहनत नाल प्रोग्राम कीता। उच्ची पढ़ो बन यार नबी दया यारां दा यारां दा यारां दा यारां दा बण यार यार बण यार नबी दया। एवें नहीं पढ़िया जाता जिमें मैं पढ़ना पिया, ये अंदर बड़ी मेहनत लगती है। सदका शेर रब्बानी दा बाबा जी बुलंद पढ़ो बन यार नबी दया यारा दा बन यार नबी दया यारा दा बन यार नबी दया यारा 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 दा बन यार नबी दया यारा दा ते बाबा जी बुलंद कह लो बन यार। शक होवी ते चल मदीने, शक होवी ते चल मदीने बेखला जोड़ मदारा दा बन यार नबी दया। आओ गल करिए मौला कायनात मौला अली दी। अली दा ना होली ना लिया करो, अली दे ना वरी होली ना बोलिया करो, आवाज़े बुलंद बोलो। क्यों वजह सुन लवो, अली दा ना लेना झोली चाहिदा ही नहीं। अली दा नाम एडी इज्जत अजमत वाला है। सन 65 की तारीख पढ़ के वेखो, हिंदुआं दियां ते सिखां दियां फौजां आखदियां सन ए पाकिस्तान दी फौज जदों नारा हैदरी मारदी है साडियां लत्तां कमण लग पैंदियां ने, बंदूकड़ियां डिग जांदियां ने। जिथे शाजी अली पाक दा नाम आ जाए उथे दुश्मनां दियां बंदूकां डिग जाण। मालूम होया जिथे अली आप होणगे उथे की मुकाम। हाय हाय, अली दा नां लेना भी इबादत, अली दा नां लेना भी इबादत। मैं गारंटी नाल आना पिया, एक एक दिल अंदर आरज़ू रख लवो जिहड़ी हाले तक पूरी नहीं हुई। अली दा नां शौक नाल लै, अल्लाह ताला दिलां दी बीमारियां दूर कर छड्डेगा। बोलो ते सही नारा हैदरी। अली दा नां लेना भी इबादत, अली दे चेहरे वाले वेखना भी इबादत। हजरत मौला कायनात मौला अली करवा मन कुंत मौला फालियुन मौला। ए दे रावी हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत सदीक अकबर आंदे ने लोगो मुस्तफा ने फरमाया मन कुंत मौला फालियुन मौला। ओ जिदा जिदा मैं मौला वा ओदा ओदा अली मौली। अल्लाह अकबर। अली अली बाद बंदे नारा मारते हैं तो बहने ने जी करके वो कि जिम्मे पता नहीं कि अजीब काम करता है पे। जेड़ा एक बारी नारा हैदरी मारा जे मैं वेख लवा जरा, जेड़ा बाद थले रहा ना थोड़ी मेहरबानी। यकीन करो आता काम जोड़ा है ये अल्लाह की बारगाह काबिल कबूल है। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है जाता है। अली का नाम, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली दा पुछना जे पुछो जाके खैबर दे मैदान गोलो। मरहबा नामी पहलवान आया मौला अली दे सामने, इधर जनाब बड़ा चौड़ा ते उच्चा लम्मा पहलवान आके आंदा आंदा है को मेरे मुकाबले ते आने वाला। इमाम लंबिया नबी पाक ने फरमाया अली किथे ने? हजरत मौला अली अस्कद लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह नबी पाक दे सहाबा दा नारा है। अगे शाह साहब आंदे सन ना दिल को ईमान ताजा हुंदा सी पिया, दिल दे तार हिलदे सन पे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इमाम उल अंबिया नबी पाक ने फरमाया अली किधर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया अली वो देख दुश्मने खुदा कैसे भौंक रहा है। हजरत मौला अली उठे, हजरत मौला अली गए, मरहब ने जो वेख्या ना मौला अली वाले, मैं पढ़िया मौला अली का कद बाकी साहबा कराम नालों थोड़ा जिहा नीवा सी, जिस्म पतला जिहा सी, मरहब लंबा चौड़ा पहलवान ते आंदा वेख के कहंदा मेरे मुकाबले जो तेनू घलिया ने, मेरे मुकाबले वास्ते मुसलमाना कोल कोई जवान बंदा नहीं रहा। हजरत मौला अली फरमाया तू मुकाबला करना है, मुकाबला करना ही है। कहन लगा जी गल है वे मुकाबला करा किसी बराबर के बंदे नाल, तेरा कद निका जिहा, बाजू तेरे कमजोर जे ने, निका जिहा जिस्म है, कमजोर जिहा माड़ा जिहा तू है, तू लड़ेगा मेरे नाल। मौला अली ने फरमाया मेरे वाले ना वेख, ओ वेख जिन्ना मैनू तेरे वाले भेजिया है। एदा तर्जमा मियां साहब फरमांदे ने उन्हां आख्या मैं नीवा, ओ मैं मेरा माही ऊंचा, ओ मारी मानीवा मेरा माही ऊंचा, ते मैं ऊंचिया संग ला आया सदके जावा इन्हां उच्चियां कोलों, ओ जिन्हां नीवियां नाल निभा आया। मरहब बोलिया, कहन लगा अच्छा चलो फिर इब्तिदा तेरे तो ही करने आ। मौला अली मुस्कुरा के फरमान लगे नेड़े ते आना जरा, मेरे नेड़े आ ना। कहन लगा तेनू पता है मैं अरब दा दरबार सी, जेड़ा भी पहलवान मुकाबले च आंदा सी ना वो आके पहले अपना तारफ करवांदा सी। मरहब बोलिया, कहन लगा मैं 1000 बंदे तो भारा समझा जाना, मेरे मुकाबले अंदर आने वाली आ सुन लै मैं कोई आम बंदा नहीं, मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखिया है। हजरत मौला अली ने फरमाया बस चुप कर जा, हुण तेरे मुकाबले च ओ आया है जिदी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया। की आख्या मेरी मां ने मेरा नाम, हौली बोलो, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर। पता जे किनू आंदे ने, ओ शेर जिहड़ा एक बारी हमला करके माड़ा जा जख्मी करता है, फिर पिछा पलट आंदा, फिर हमला करता है, फिर पिछा पलट आंदा, फिर हमला करता है, ते जदों तीजी वार हमला करता ना दुश्मन नूं छड्डदा नहीं, ओनू आंदे ने हैदर, हैदर करार, बार बार हमला करने वाला। ओ जे जंगल दे शेर दा एडा मुकाम है, अली ते असदुल्ला है, अली ते रब, अली ते रब दा शेर। फरमा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया है। कहन लगा अच्छा फिर कारोबार है। मौला अली ने फरमाया अली ने कदी वार कीता ही नहीं, अली ने पहला कदी किसी दे वार, ए पीरो मुर्शिद अली ने पहला वार कदी किसे ते, अली ने पहला वार कदी नहीं कीता, अली ने जदों भी कीता है पहला वार नहीं कीता, दूसरा वार कीता है। कहने लगा अच्छा ना तेरे कोल कोई सिर्रा ते की करेगा। मौला अली ने फरमाया तू वार कर। मरहब ने वार कीता, तवज्जो करना, मौला अली तलवार अगे कीती ना, मौला ने तलवार अगे की, बाहर रोक लिया। फरमाया हुण तैयार हो जा, ए ना आखी के पता नहीं लग्या, हुण वार अली दा आया है, ते जिथे अली दा वार आ जाए ना दुश्मनां दा कख नहीं रहिंदा। नारा हैदरी मारिए तो दुश्मन दौड़ जान जिथे अली आप होना। अल्लाह अकबर। इमाम उलंबिया नबी पाक ने मौला अली ने दिते आ फरमाया जन्नत दी टिकटां तुसां तकसीम करनियां ने। मौला अली आंदे ने जिवें हुक्म है या रसूल अल्लाह। हुण सारे साहबा बारी बारी मुबारकबाद पेश करते हैं पे या अली सरकार, सरकार ने तुहानू जन्नत दी टिकटां तकसीम करन दा कासिम बनाया है। साडा भी ख्याल करे आज। एक बंदा फरमाया मेरा भी ख्याल करे आज। हजरत सिद्दीक अकबर आए कहन लगे अली मुबारक होवे साडा भी जरा ख्याल करे आज। प्यार वेखो इन्हां दा। हजरत मौला अली ने अगों अर्ज की कहन लगे या सिद्दीक अकबर ये हजूर ने मैनू फरमाया जरूर जन्नत दी टिकटां तो तकसीम करेगा। नाल जिहड़ा हजूर ने इरशाद फरमाया है ओहदा पता नहीं लग्या। आख्या की? आख्या हजूर ने फरमाया अली टिकटां तू ही तकसीम करनियां ने मगर दई ओनू जिहदे दिल दे अंदर सिद्दीक अकबर दी मुहब्बत होवे। मरहबा कहन लगा करो वार मेरे ते मौला अली ने वार कीता। इमाम उलंबिया नबी पाक ने फरमाया मेरे गुलामो ओ वेखो अज कुल्ले कुफर दे मुकाबले च कुल्ले ईमान लड़दा जे पिया। अली कुल्ले ईमान, अली कुल्ले ईमान। असी आने असी ईमान वाले आं अली ने जिहड़े कुल्ले ईमान। अली मौला ने वार कीता। तलवार अगे की थी, तलवार कटी गई, तलवार के दो टुकड़े हो गए। मौला अली की तलवार मरहब के सिर दी आई। लोहे का लिबास पहने होया तवज्जो करना। इधर लिबास कटिया जाता है पिया। अली की तलवार चलती है बई। जिस्म कटिया जाता है पिया, सिर कटिया जाता है पिया, धड़ कटिया जाता है पिया, सीना कटिया जाता है पिया। सवारी ते सवार है दो टुकड़े हो गए मरहब के। एक टुकड़ा सवारियों इधर डिग पिया, इधर डिग पिया। मैं पढ़िया किताब के अंदर इधर रब ने फरमाया जिबरील इधर वेख मैदान खैबर दे अंदर। इधर जिबरील अंदर मौला एदी कुवत। फरमाया ए मेरे मुस्तफा दा शेर है, ए मेरे मुस्तफा दा दामाद है, ए फातिमा दे घर वाला है, ए हसन हुसैन दा वालिद है। एदी कुवत तलवार दो टुकड़े मरहब दे। तलवार सवारी दी आई, सवारी दे दो टुकड़े, तलवार जमीन दी आई। हजरत रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिबरील जा जा के अली दा वार रोक वरना कोई कोई जानदा है अज अली दा वार किथे तक। अल्लाह ए मौला अली ने ए अली दा इलम वेखो ते बद तो बद। नबी पाक दी नमूस ते होया हमला। वाह मुमताज कादरी तेरी इज्जत ते अजमत रो सलाम। वाह मुमताज कादरी तेरी इज्जत ते अजमत जुर्रत रो सलाम। हजारां नबी पाक दे गुलाम तेरे कदमां तो कुर्बान। तू ओ काम कीता है जेड़ा नबी दे सहाबा पूरी जिंदगी करदे रहे। कानून ऐन जांदा सी, कानून ऐन जांदा सी। पार दे ना कानून दी किताबां नूं जिन्हां विच नबी पाक दे आशकां वास्ते कोई तहफुज ही नहीं। नबी पाक दे नां ते जान कुर्बान करना। तुसी अपने कानून बनांदे रहो, तुसी फाए देंदे रहो। किन्ने क मुमताज कादरी मारो गए उधर तनवीर कादरी। वाह नबी दे गुलामो तुहाडा नबी दे गुलामां दा ईमान ते कीता भला की है। तवज्जो करना जरा मुहब्बत रखो। सुभान अल्लाह आखोगे तो मैं बयान कर देना। तेरे नाम पे करूं जान फिदा, तेरे नाम पे करूं जान फिदा। एक जान क्या तो जान फिदा, एक जान क्या तो जान फिदा। तो जहां से भी नहीं तो जहां से सो जहां से, जहां से नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कूफे दी मस्जिद के अंदर मौला अली खड़े ने, एक बंदा बोलिया, कहने लगा नबी पाक दे इल्म दे इतराज होया है। हजरत मौला अली ने नबी पाक दी नाफुज नामूसे ताफुज नामूसे रसालत वास्ते हजरत मौला अली मिंबर ते खलो के फरमाया ओ कूफे दे रहन वाले हो, मेरे नबी दे इल्म दे इतराज ना करो। सलमा से तुम जो दिल करदा जे मेरे कोल पुछ लवो, मैं ते नबी दा गुलाम हां। जे गुलामा दा इल्म ना है ते आका दा इल्म कितना को होवेगा। फरमा मेरे को पूछो की पूछते हो, मेरे को पूछो। एक बंदा खलोता कहन लगा, तवज्जो करना, कहन लगा जी कदी रब वेखिया जे? अली एडा वड्डा दावा, इना इलम, हजूर दा इरशाद या नाम मदीना तुल इल्मे बालियन बाबोहा मा इलम दा शहरा ते अली ओदा। मालूम होया आलिम दीन वही होता है जो मौला अली का गुलाम हो। जेड़ा आखे माली नू नहीं मानदा समझो चोर है। एक बंदा चौकीदार नू आखे मैं नहीं मान दरवाजे मैं नहीं लंघ के घर आउंदा जे, फिर कंध टप के ही आया ना, तो जेड़ा कंध टप के आया चोर है, आलमे दीन ते नहीं ना। मैं जल्दी जरा बयान करा, वजाहत नहीं मैं नहीं करता। मौलाना ने फरमाया कि आखे कहंदा कदी रब नू वेखे जे? फरमाया कदी की पूछे, कदी अली एक सजदा करदा है, दुनिया दूजा उन्नी देर तक नहीं करता जिन्नी देर तक रब नू वेख नहीं लेता। एक बंदा और बोलिया, कहने लगा अली मैनूं इन्नी गल दसो, इस वेले जिबरील कित्थे ने? बंदे दे सवाल भी अजीब होंदे ने ना। कहन लगा दसो इस वेले जिबरील अमीन कित्थे ने? हजरत मौला अली ने ध्यान दिल वाले कर लिया, ध्यान दिल वाले कर लिया, क्योंकि ज़ाकिर जिहड़ा बंदा हुंदा है, जिहड़ा जिक्र करने वाला हुंदा है, ओदे दिल दे अंदर सारी दुनिया हुंदी है। तां ते सुल्तान राजवीर फरमांदे ने दिल दरिया समुंदर अखां खोलियां, फरमाया किधर है? सवाल करने वाला आंदा, हजूर मैं इधर आ। फरमाया मैं पूरी दुनिया वेख लई है, मैं पूरी दुनिया वेख लई है, मैनू जिब्रील नजर नहीं आया। सिदरा तो लैके ताकुसरा तक मैं वेख आया वा, मशरक तो लैके मगरब तक आया वा, शमाल तो लैके जनूब तक सारी दुनिया वेख लई है, जिब्रील नजर नहीं आया। सवाल करने वाले बंदे रह गए दो, एक तू है एक मैं ते अली हां। सवाल करने वाले जिब्रील तेरा ही। ये तवज्जो करना रात हाजी साहब ने मैनू गल की है, 5 मिनट हो गए ने, 8:05 हो गए ने, मेरा दिन जो 3 होना तो मैं तकरीर बंद कर दिया। तवज्जो करना रात थोड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। थानू लड़िया जना मेरे नाल नहीं, रोस्ते नहीं जगे नहीं, जरा मुहब्बत ना बोलो, आखो फिर सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ तो बाहर मौला अली बाग नू पानी देंदे सन पे, एक बड़ा लोहे का लिबास पहने जनाब लगा हुंदा पिया, पहलवान आ मैं, बड़ा छाती जोड़ी करके जनाब पहलवाना टुरदा है पिया, लोहे का लिबास पहने आए। हजरत मौला अली नू आंदा हुंदा ओ जवाना, ये राह मदीने नू जांदा है। हजरत मौला अली ने फरमाया मौला अली ने जेड़े ध्यान बंदे दे चेहरे ते करदे ने, दिल दी कफियत सामने आ जांदी है। फरमाया खैर है ना, तेनू की मसला है? क्या लगा मैं एक पहलवान है, सुनिया है मुहम्मद रसूलुल्लाह दा एक पहलवान है, अली ओदा नाम है, मैं सारे पहलवान दुनिया दे टा आया वा, ओनू टाणा है मैं। की आंदा ओनू मौला अली ने वेख्या ते गौर नाल मौला अली ने फरमाया तू टाणा अली नू, तू कहन लगा ते मैनू की है, मेरे च कोई कमी है, मेरे च कोई जान दी कमी है? फरमाया नहीं, तेरे च अकल दी कमी है, तेनू पता नहीं अली दा नाम असदुल्ला, तेनू पता नहीं होया हदरे करा, ओ नहीं जानदा कि यही अली है, यही अली बाग ने। कहन लगा तू रात दस मैनू डरा ना। मौला अली ने फरमाया तेरी बेहतरी एदे च, इथों मुड़ जा वापस नस जा। कहन लगा तौहीन है मेरी नस जावा। फरमाया इधर मेरे नेड़े आ, जे नसना नहीं तो इधर आ। आया की है? फरमाया जो कम कर, पेंडा बड़ा लम्मा ही, अली तक पहुंचना तेरे वास्ते बड़ा औखा है। शाह जी मेहरबानी, मैनू पता हूं तू तैयारी करते पे निकलन की। बस ठीक है, तवज्जो है हज़रात। नहीं एवं नहीं, उच्ची हज़रात तुहाडी मेहरबानी। हज़रत मौला ने फरमाया इधर मेरे नेड़े आ। भजा भजा नेड़े आ गया, लगा की गल? फरमाया कि गल सो मेरी, मदीने दा पेंडा तेथों बड़ी दूर ही, एक काम कर, तेरी बांह फड़ना वा मैं, तेरी बांह मैं फड़ना, जे मेरे को छुड़ा लेना तो समझी अली को तू जित गया। कहने लगा तू बांह फड़ेगा मेरी? फरमाया इधर नेड़े आवे ना। नेड़े आने वाली असदुल्ला करके झपट्टा मारिया मौला अली ने, ओदियां दो उंगलां मौला अली दे हथे आ गई। मौला अली ने ओदियां उंगलां करके दबाइया, पहले उंगलां दी हड्डियां टुटियां, पहले जनाब हड्डियां टुटियां, फिर जनाब खून निकलता है पिया। ये जिस बंदे दी उंगलां फसियां होन पता ओनू हुंदा है, वो जिड्डा मर्जी भलवान है। मौला अली ने करके बड़ा कड़क कर दी आवाज आई, हड्डी टुट गई, खून निकलता है पिया, उंगलां नालों लमकदियां पईयां, तरल करदा जमीन ते डिगया। आ शदरे दी बोली बोली है मैं तुहाडे नाल तरल करदा, इहदा पूरी दुनिया ते तुहानू किसी होर पासे दा तर्जमा नहीं मिलेगा। इंज करके पिया थले पुहां के थले डिगया ना जदों, ते नाले जमीन अंदर, नाले पुट्ठा सीधा। आंदा मेरी उंगला छड़ दे। मौला ने फरमाया तू ते अली तक जाना है। वो कहन लगा तेनू मेहरबानी हो खुदा दा वास्ते मेरी जान छड़ दे। मौला अली ने फरमाया हज़रत मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब आ फरमांदे ने, मौला अली ने उन्होंने आख्या तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फिर है, तू अली से लड़ सके तेरी अकल का फिर है, तू शैतान की लोमड़ी वो खुदा का फिर। रो के बोलिया कहने लगा ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, और दिल ये कहता है तू ही हादरे करार है। सब दे गुलाम हजूर दे सारे रिश्तेदारां दे गुलाम। अल्लाह ताला सदका नबी पाक दा महफिल कबूल फरमाए, और इंतजामिया इंतजाम करने वाले अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।